हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हैप्पी छठ। क्योंकि फ्रेंड्स, जो नागपंचमी होती है उस मतलब नागपंचमी से हम लोग का फेस्टिवल जो है वो शुरू हो जाता है, और मुझे लगता है कि छठ पूजा तक के बाद बस वही अब खिचड़ी पड़ेगी, और अब बीच में कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है। तो छठ पूजा तक ही मुझे लगता है कि आखिरी जो है त्यौहार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गेहूँ डाल दिया है, और देखिए यहाँ पे धूप अभी नहीं है, और ये जो एरिया है ना, ये पूरा पूरे दिन भर धूप नहीं रहता है, गर्मी में रहता है पर ठंडी में यहाँ धूप नहीं रहता है। और अभी देखिए मैंने पूजा का बर्तन जो है ना वो धुल लिया है, बस अभी नीचे जाऊँगी तो पूजा करूँगी। और मैंने सोचा कि बच्चे, आज छुट्टी था ना, छठ पूजा है, तो मैंने सोचा कि बच्चे छत पे हैं तो गेहूँ डाल देती हूँ सुबह में ही। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तभी वही 11:30 बजे तक गेहूँ डालूंगी, फिर उसके बाद से उसको साफ़ करके दे दूँगी पीसने के लिए, क्योंकि गेहूँ 3 दिन से सूख रहा है और आज सूख भी गया है गेहूँ। बस थोड़ा इसको धूप हल्का सा दिखा देती हूँ, फिर वास करूँगी। और यहाँ देखिए छवि जो है धूप सेक रही है, कंबल ओढ़ के, रूपेश भी यहीं पर है, बच्चे यहीं पर हैं, ये सब धूप अभी सेक रहे। मैंने ही छत पे बोल दिया कि जाओ छत पे थोड़ा धूप लो तुम लोग, और धूप उतनी तेज़ नहीं, आप देख सकते हो 8:30 बज रहा है पर धूप उतनी तेज़ नहीं है। सभी को छठ पूजा की ढेरों बधाई, और आज छठ पूजा है, और मैं छठ पूजा का व्रत नहीं रहती हूँ, तो अभी मैंने नहा लिया है, पूजा का बर्तन भी धुल दिया है, वहाँ देखिए ये वहाँ पर है, पूजा का बर्तन मैंने धो लिया है, और आज वेडनेसडे था तो इसलिए मैंने बाल भी धुल लिया है, और थोड़ी देर छत पे रहूँगी फिर नीचे जाऊँगी पूजा करने। तो अभी देखिए शाम को हम घाट पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करती हूँ फिर भी घाट पे जाती हूँ, तो इस साल देखिए जा पाती हूँ तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी देखिए मॉर्निंग का सुबह, ये देखिए धूप जो सूर्य देवता जो है ना वहाँ से निकलते हैं, और बहुत अच्छा इस समय लग रहा है छत पे, हल्की हल्की गर्माहट है। तो मैं अभी थोड़ी देर नहाने के बाद यहीं बैठ गई थी, और अब चलूँ, हो गया 15 मिनट से मैं बैठी हुई हूँ, पर चलूँ अब पूजा कर लूँ और फिर देखती हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा करने अभी हम नीचे। और फ्रेंड्स, अभी मैंने पूजा कर लिया है, और हस्बैंड भी सो के उठ गए थे, तो मैं आगे का जो बेड है ना उसे क्लीन कर दे रही हूँ, और अंदर का तो मैं जब सो के उठती हूँ और बच्चों को मैं तुरंत ही उठा देती हूँ तो वो तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ, बस ये आगे का रह जाता है। तो यहाँ देखिए ये रूम भी जो है वो क्लीन हो गया है, और बस मैं अब तुरंत किचन में चलूँगी, क्योंकि ये सब करते करते 9 बज गया था और बच्चों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। तो यहाँ मैंने सीटी पे चढ़ा दिया है आलू और दाल, आलू उबलने के लिए दाल के साथ ही, और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी जो है उसे 4 भाग में कट कर लिया है, और इस समय के पत्ता गोभी में थोड़े कीड़े भी निकल जाते हैं, तो मैंने इसीलिए एक एक पत्ते को चेक किया है, फिर मैंने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। और अभी देखिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी भी बॉयल हो गई है, और ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया, प्याज है, आलू उबला हुआ है, पत्ता गोभी, लहसुन, अदरक, और ये मैंने पेस्ट बना लिया है हरी मिर्च, लाल मिर्च और अदरक का। तो अभी देखिए इधर मैं दाल में तड़का पहले लगा देती हूँ, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च साबुत, और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, छोटा सा प्याज मैंने डाल दिया है, बिना टमाटर के मैं करूँगी फ्रेंड्स, और ये बहुत टेस्टी लगता है। इधर मैंने सब्जी के लिए तेल गरम कर लिया, इसमें मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है, और 1 बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट करके डाल दिया है बारीक बारीक, इसे मैं भुनने के लिए भी छोड़ देती हूँ, पूरा नहीं थोड़ा ही, इधर जो दाल में तड़का लगाऊँगी भुन गया है तो दाल में डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, दाल में मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और ये चुटकी भर हींग है, क्योंकि हींग मैं हर खाने में डालती हूँ, और 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसे बस बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी, कि ये जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ मैंने जो अदरक लहसुन का और लाल मिर्च हरी मिर्च का पेस्ट दरदरा तैयार किया था वो डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से भुनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छी तरीके से। और इस सब्जी में फ्रेंड्स तेल ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने तेल जो है वो ज़्यादा लिया है। अभी देखिए भून गया है, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया 1/2 चम्मच, और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पत्ता गोभी डालते वक्त आपको नहीं दिखाया, तो जो मैंने बॉयल पत्ता गोभी रखा था वो डाल दिया है, और हल्दी नमक डाल दिया है, और उसे अच्छे से मैं कूट कूट के, उसे इसे कट नहीं करना है फ्रेंड्स, बस ऐसे ही कूट कूट के ही इसे छोटा कर लेना है।
और आलू डाल देती हूँ और कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। कस्तूरी मेथी डालने से फ्रेंड्स सब्जी या दाल का टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है, तो मैं इसका भी इस्तेमाल हमेशा करती रहती हूँ। और अभी देखिए सब्जी मैं थोड़ी देर भून के निकाल ली हूँ और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी फ्रेंड्स, सभी ने बहुत चाव से खाई और हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। और जब सब्जी बन गई थी तो दूसरे साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया उसी कुकर में, और इधर मैं रोटी भी अपनी सेक लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इतनी फास्ट ये काम कर रही थी ना कि मैंने आधे घंटे के अंदर सारा खाना जो है वो मैंने तैयार कर लिया और बच्चों को तुरंत सब्जी रोटी का मैंने नाश्ता करा दिया। फिर मैंने बच्चों को छत पे भेज दिया धूप सेकने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ठंड का जो महीना होता है वो ज़्यादातर हमारा छत पे ही कट जाता है धूप सेकते सेकते। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे काम कर लिए हैं, अभी दूध आया तो ये देखिए मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पे सारा जो लंच है वो तैयार हो गया है और बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया। अभी एक घंटे बाद उन्हें मैं एप्पल कट करके दे दूंगी कि वो एप्पल खा लें। और अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड नहाने गए हैं छत पे, वो नहा के आएंगे तो उन्हें भी लंच करा के फिर मैं छत पे जाऊंगी, गेहूं जो है उसे साफ़ करके दे दूं क्योंकि आटा ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो अभी पावदान जो है वो लगा नहीं है क्योंकि सुबह मैं ना गाड़ी पर रख देती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ लगाना इसे। तो ये देखिए यहाँ गाड़ी पे रखा हुआ है और अब मैं इसे लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जब हस्बैंड खाना खा लेंगे, मतलब खाना उन्हें दे दूंगी ना, तो फिर जाऊंगी गेहूँ साफ़ कर दूंगी क्योंकि गेहूँ जो है ना आटा नहीं है आज, मतलब आज और कल चल जाएगा, परसों के लिए आटा नहीं है। तो आज मैंने काजल लगाया है देखिए, और कभी कभी लगाती हूँ, कभी मन कर जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो डेली नहीं लगाती हूँ। पहले मैं डेली लगाया करती थी काजल, पर अब डेली नहीं लगाती हूँ। और बच्चे भी छत पे गए हैं पढ़ने के लिए, तो अभी फ्रेंड्स मैं छत पे चली आई हूँ गेहूँ को साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैं गेहूँ इतनी सफाई से धुलती हूँ ना कि इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहती है, बस हल्का सा हाथ फेर के इसे दे दूंगी। माता और बहनों से अनुरोध है, हेलो, अपने सामान की सुरक्षा, हेलो, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री घाट पे इस क्षेत्र के विधायक रविंद्र जायसवाल जी। और फिर फ्रेंड्स मैं घाट पे चली आती हूँ, गंगा जी में नहीं गई थी, बस यहाँ कचहरी पे एक घाट है तो वहीं पे मैं चली आती हूँ। और आप देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मुझे तो थोड़ा शाम हो गया था, आधे लोग मुझे लग रहा है चले भी गए थे घर, देखिए कुछ लोग अभी जा भी रहे हैं। और यहाँ ऊपर जो है ये मंदिर है हनुमान जी का, शंकर जी का, तो अभी ऊपर में जो कमेटी लोग नहीं होते हैं वो लोग बैठे हुए थे और कुछ डेकोरेशन हस्बैंड आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे कैसा डेकोरेशन हुआ है। और हम पीछे से थे आ रहे थे और यहाँ पे जो है ना ये लेडीज़ वो सभी को मतलब सिंदूर लगा रही थी नाक से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नाक से सिंदूर लगाना और सजना संवरना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें पीछे नहीं रहती हूँ। पर इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि मैं जल्दी जल्दी बस साड़ी पहनी। देखिए फ्रेंड्स मैंने चूड़ी भी चेंज नहीं की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो बस मैंने साड़ी डाली और बस निकल गई मैं। तो ये देखिए अभी ये सिंदूर लगा लेंगी, फिर मैं और मेरे बच्चे जो हैं, हम जितने भी मतलब बड़ी लेडीज़ लोग हैं हमसे बड़ी हैं उम्र में, उनका हम पैर छू लेते हैं। साइड में दादी टाइप की भी लोग थी तो हम सब लोगों ने सबका पैर छू लिया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस ज़्यादा समय नहीं, हम लोग मतलब वो 5:30 बजे तक थे यहाँ पे, फिर हम लोग चले गए घर वापस आ गए थे। तो रात का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और ये देखिए फ्रेंड्स सिंदूर लगने के बाद नाक से मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी भीड़ में मैंने ब्लॉगिंग की और घर से लेके यहाँ तक। अभी आपने देखा ना फ्रेंड्स, इनका कोई मन्नत पूरा हो गया था तो ये लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, ये मतलब बाजे गाजे के साथ आई थी, बहुत लंबे समय तक इन्होंने डांस किया और हम सब वही देख रहे थे। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस ब्लॉग में भी, हर ब्लॉग में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग
मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो जरा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग के लाइक नहीं आते हैं। और अभी देखिए घाट पे कितना ज़्यादा भीड़ है, मैं वही दिखा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं, तो प्लीज़ फुल सपोर्ट करिए आप मुझे। और ये देखिए विद फैमिली, हम मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, और रुपेश आपको हाय भी बोल रहा है, फिर हम चले आए थे। और ये मैंने थोड़ा सा मार्केट का ले लिया, मेरे घर से ये 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कि साड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी और सब्जी और राशन के जो भी मतलब सामान होते हैं, सिलाई कढ़ाई के जो भी होते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ इसे मतलब शिवपुर कहा जाता है, शिवपुर है। तो मैं और बच्चे यहीं पे खड़े थे, सिर्फ हस्बैंड गए थे सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि घर में सब्जी थी पर उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है तो मैं और भी ले लेता हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का है, तो बाय बाय फ्रेंड्स।